गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. टुडे वी विल कंटिन्यू विद अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्सप्लोरिंग सिंबल्स. नाउ इफ यू रिमेंबर, इन द लास्ट सेशन वी डिड नेशनल सिंबल्स एंड यू वर सपोज टू राइट 10 नेशनल सिंबल्स. नाउ फॉर एक्टिविटी 6 एंड 7 विच इज रिलेटेड टू एक्टिविटी 5 विल बी डन वंस अवर स्कूल रीओपन्स, बिकॉज योर वी नीड टू डिस्कस विद अवर क्लासमेट्स अबाउट द नेशनल सिंबल्स एंड वी नीड टू कम टू सम कंक्लूजन. सो नाउ एक्टिविटी एंड 7 वी विल कीप असाइड टिल अवर स्कूल रिज्यूम्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 8. जस्ट एज पोएम्स हैव सिंबल्स एंड इंडिया हैज सिंबल्स, स्टोरीज ऑफन हैव सिंबल्स टू. जैसे पोएम में सिंबल होता है, इंडिया के भी सिंबल्स है, वैसे स्टोरीज में भी कभी कभार सिंबल्स होते हैं. मैनी स्टोरीज यूज एनिमल्स एज सिंबल्स, कई सारी स्टोरीज में एनिमल्स आर यूज एज सिंबल्स. फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टोरीज यूज द लायन एज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी. मैनी स्टोरीज में लायन को यूज करते हैं एज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दैट लायन इज अ किंग. आपने कई बार सुना होगा कि लायन इज अ किंग, इसीलिए उसको रॉयल्टी के सिंबल में यूज करते. डिफरेंट पीपल कैन गिव द सेम सिंबल डिफरेंट मीनिंग्स. अलग अलग लोग सेम चीज़ को डिफरेंट मीनिंग, सेम सिंबल को डिफरेंट मीनिंग दे सकते हैं. फॉर सम पीपल कैट सिंबलाइज लॉन्ग लाइफ, बट अदर पीपल से पीपल माइट से ब्लैक कैट सिंबलाइज बैड लक. कुछ लोग कहते हैं कि जो कैट है वो लॉन्ग लाइफ सिंबलाइज करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्लैक कैट है वो बैड लक को सिंबलाइज करती है. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द काव इज़ अ सिंबल ऑफ मैनी थिंग्स फॉर मैनी पीपल. इंडिया के कई पार्ट्स में काव इज़ अ सिंबल ऑफ मैनी थिंग्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिंबल है काव. ठीक है, रीड द स्टोरी केयरफुली टू योर सेल्फ. मार्क एनी वर्ड्स यू डोंट अंडरस्टैंड. यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और क्लासमेट्स हु नो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी. थिंक अबाउट वॉट एनिमल्स इन द स्टोरी माइट बी सिंबल्स ऑफ. अभी आपको एक स्टोरी दी है, जो अब हम रीड करेंगे, आपको कोई वर्ड ना समझ में आए तो आपको उसको अंडरलाइन करना है, डिक्शनरी या इंटरनेट की हेल्प से आपको उसके मीनिंग्स लिखने हैं, एंड आपको सोचना है कि इसमें जो एनिमल दिया है वो किस चीज़ का सिंबल है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी 9. एक्टिविटी 8 ओनली बट द स्टोरी, दैट इज फॉक्स एंड द रैबिट. देर वॉज वंस अ वेरी क्लेवर फॉक्स हु लव्ड टू ब्रैग ऑफ हिज क्लेवरनेस. वन डे ही सेड टू द रैबिट, आई एम सो क्लेवर, ही सेड दैट आई नो 100 वेज टू एस्केप एनिमीज. एक बार एक बहुत क्लेवर चतुर फॉक्स था, एंड ही लव्ड टू ब्रैग ऑफ हिज क्लेवरनेस. ब्रैग मतलब बढ़ाई करना, अपनी चतुराई की वो हमेशा बढ़ाई करता था. वन डे ही सेड टू द रैबिट, एक दिन उसने रैबिट को क्या बोला कि आई एम सो क्लेवर एंड मेरे को 100 वेज पता है जिससे हम अपने दुश्मन से बच सकते हैं. वाओ द रैबिट सेड, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल. रैबिट ने बोला अरे वाह, बट मेरे पास तो एक ही है पर वो हमेशा काम करता है. द फॉक्स सेड यू शुड लिसन टू मी, आई विल टीच यू मैनी मैनी मोर. You should know many ways to escape like I do. Fox बोलता है तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारी ट्रिक्स दिखाऊंगा जिसे तुम अपने एनिमी से बच सकते हो, जैसे कि मैं बच जाता हूँ. Just at the moment the fox and the rabbit heard the cry of a pack of hunters coming towards them. उसी समय fox और rabbit ने सुना hunters का आवाज़ जो उनके तरफ आ रहे थे. Immediately the rabbit leaped down his hole and was gone. उसी समय rabbit ने jump किया और वो अपने hole के अंदर चला गया. He called back to the fox. This is my plan. What are you going to do? उसने अंदर से चिल्लाया fox को, ये मेरा plan है, तुम क्या करोगे? The fox thought first of one way, then another, then he thought of better way. Then he considered another way, and while he was thinking of all his clever choices, the hunters caught him up and he was soon carried off. तो फॉक्स ने पहले एक तरीका सोचा, फिर दूसरा सोचा, फिर उसको और एक तरीका सोचा, फिर उसने फिर से दूसरे तरीके का सोचा, और अपनी choices में वो इतना मशगूल हो गया या इतना वो हो गया था कि उसको पता नहीं चला, और hunters ने आके उसको पकड़ लिया और उसको लेके
चले गए। समझ में आ गया सबको इतना? चलो एक्टिविटी 9। वन वे दैट वी नो दैट द फॉक्स एंड रैबिट्स आर सिंबल्स इज बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट रियल फॉक्सेज और रैबिट्स। एक वे से हमें पता है कि फॉक्स और रैबिट यहाँ पे किसी चीज़ के सिंबल है, क्योंकि रियल फॉक्स और रैबिट्स को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। व्हेन समथिंग इज नॉट सिंबॉलिक, व्हेन इट ओनली रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ इन रियल लाइफ एंड नथिंग एल्स, वी से इट हैज़ लिटरल मीनिंग। जब भी कोई चीज़ का सिंबल नहीं होता है बट वो रिप्रेजेंट करती है कोई चीज़ को जैसे कि वो रियलिटी में है तो और कुछ नहीं, तो हम बोलते हैं कि इसका लिटरल मीनिंग है। क्या बोलते हैं कि इसका लिटरल मीनिंग है? लिटरल, लिटरेरी एंड लिटरेचर आर ऑल रिलेटेड टू द वर्ड फॉर लेटर्स। लिटरल, लिटरेरी एंड लिटरेचर, ये तीनों वर्ड्स रिलेटेड है, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स एग्जैक्ट और फैक्चुअल मीनिंग। जो लिटरल मीनिंग होता है वर्ड का वो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फ्रेंड सेज आई एम डेड टायर्ड, यू नो योर फ्रेंड इज़ नॉट लिटरली डेड बिकॉज ही इज़ अलाइव एंड टॉकिंग टू यू। ही इज़ एग्जैजरेटिंग, ही इज़ नॉट यूजिंग लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डेड। मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका फ्रेंड ऐसा बोलता है आई एम डेड टायर्ड, मतलब वो सच में कोई डेड नहीं हो गया, वो सिर्फ एक मीनिंग बोल रहा है, वो अलाइव है और तुमसे बात भी कर रहा है, लेकिन वो एग्जैजरेटिंग मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, उसके लिए बहुत थक गया हूँ, उसके लिए वो यूज़ करता है डेड। तो लिटरल मीनिंग ऑफ द, ही इज़ नॉट यूजिंग द लिटरल मीनिंग, डेड का रियल मीनिंग वो इस सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जा रहा है। वी नो दैट द फॉक्स एंड द रैबिट स्टोरी इज़ नॉट लिटरली अबाउट फॉक्सेज एंड रैबिट्स। हमें पता है कि ये जो स्टोरी है वो एक्चुअल में लिटरली फॉक्स और रैबिट की नहीं है, बिकॉज रियल फॉक्स एंड रैबिट्स डू नॉट हैव कन्वर्सेशंस अबाउट क्लेवरनेस एटलीस्ट, एंड दे डोंट हैव सच कन्वर्सेशंस इन इंग्लिश। क्योंकि रियल फॉक्स और रैबिट्स कभी बात नहीं करते चतुराई की, और करते भी हो तो इतनी प्योर इंग्लिश में तो नहीं करते हैं। वन वे टू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ अ सिम्बॉलिक स्टोरी इज़ टू थिंक अबाउट थिंग्स इन रियल लाइफ that are like symbol in the story. एक तरीका, वन वे टू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ सिम्बॉलिक स्टोरी, ये सिम्बॉलिक स्टोरी का मीनिंग सोचने का एक तरीका है, तो हमें रियल लाइफ में उस थिंग को सोचना चाहिए जैसे कि वो सिम्बल है स्टोरी में, ठीक है। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन माइट एक्ट द वे द फॉक्स डस, हमें सोचना है कि कौन ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे कि फॉक्स करता है। एंड वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन माइट द रैबिट रिप्रेजेंट, और किस इंसान या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को रैबिट रिप्रेजेंट करता है। इज़ द रैबिट क्लेवर और फूलिश, रैबिट क्लेवर है या फूलिश है। इज़ ही ब्रेव और कावर्डली, क्या वो ब्रेव है या डरपोक है। इन रियल लाइफ वॉट माइट बिहेव द वे द हंटर्स डू, कमिंग इन क्विकली एंड एंडिंग द कॉन्वर्जेशन द वे वी डू। और इन रियल लाइफ कौन हंटर्स की तरह बिहेव करेगा जो फटाफट हमारे लाइफ में आएगा और हमारी बात को बीच में से स्टॉप कर देगा, ठीक है। डिस्कस दीज आइडियाज, दिस एक्टिविटी वी विल डू वन स्कूल इज ओपन, ओके। वी हैव टू डिस्कस दिस इन अ ग्रुप। नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी 10, विच इज़ द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, ओके। Now here again a story is given. If you don't understand any word, you will underline it and find meanings in your dictionary, okay. So let's read. One night Emperor Akbar dreamt that he had lost all his teeth except one. The next morning he invited all astrologers of his kingdom to interpret his dream. Ek raat ko Emperor Akbar, Badshah Akbar ko ek sapna aaya ki usne apne sare daant ko घुमा दिया था, लेकिन एक दांत था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाता है उसके किंगडम में ताकि वो उसके ड्रीम का मीनिंग बता सके, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम। बहुत सारे डिस्कशन के बाद एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रोफेसाइज मतलब बताया कि उसके सारे रिलेटिव्स उसके सामने मर जाएंगे। एम्परर अकबर वॉज वेरी अपसेट बाई दिस इंटरप्रिटेशन। एम्परर अकबर था वो इस इंटरप्रिटेशन मतलब एस्ट्रोलॉजर्स का ये जो बोला गया था उससे बहुत अपसेट था, और वो सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भेज देता है विदाउट एनी रिवॉर्ड, उन्हें कुछ नहीं देता है। लेटर दैट डे बीरबल एंटर द दरबार। एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम एंड आस्ट हिम टू इंटरप्रेट इट।
After thinking for a while, Birbal replied that the emperor would live a longer life and more fulfilled life than any of his relatives. तो लेटर बीरबल आता है दरबार में, एम्परर अकबर उसको फिर से अपना ड्रीम बताता है और बोलता है बीरबल को कि तुम अभी इसको सुलझाओ। थोड़ी देर बहुत सोचने के बाद बीरबल ने ऐसा बोला कि आप बहुत लंबी लाइफ जियोगे और आपकी सारी इच्छाएं आपकी जो भी है वो सब फुलफिल हो जाएगी, आपके रिलेटिव से भी लंबा आप जियोगे। एम्परर अकबर वॉज प्लीज्ड विद बीरबल्स एक्सप्लेनेशन, रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली। अकबर इस बात से बहुत खुश हो गया और उसने बीरबल को बहुत सारा रिवॉर्ड यानी पैसे दिए, हैंडसमली मतलब बहुत सारा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। मैनी पीपल बिलीव दैट देयर ड्रीम्स हैव सिम्बॉलिक मीनिंग बट दे इंटरप्रेट द सिम्बल्स वेरी डिफरेंटली। मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ड्रीम्स का सिम्बॉलिक मीनिंग है, बट अलग अलग लोग इस सिम्बल्स को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल ड्रीम ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग इन लाइफ, बट सम पीपल थिंक ऑफ देयर प्रॉब्लम एज अ ह्यूज माउंटेन दैट नीड्स टू बी ओवरकम। कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स को ड्रीम के प्रॉब्लम्स के ड्रीम करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोगों को अपने प्रॉब्लम एक बड़ा सा पहाड़ लगता है जिनको उनको इन कठिनाई को उनको से आगे बढ़ना है। अनदर पर्सन माई ड्रीम ऑफ अ प्रॉब्लम एज अ लॉक डोर दैट नीड्स अ की। कोई इंसान ऐसा सोचेगा कि उसका प्रॉब्लम एक लॉक डोर है और उसको उसकी चाबी या की ढूंढनी है। अनदर माइट सी अ हाई वॉल एज अ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम। किसी को अपना प्रॉब्लम एक बड़ी सी दीवार लगेगी। ठीक है, इन द एक्टिविटी अबाउट रैबिट एंड फॉक्स यू थॉट अबाउट आइडियाज़ एंड पीपल दैट कुड बी सिम्बलाइज्ड बाई द रैबिट एंड फॉक्स। जैसे हमने फॉक्स एंड रैबिट में सोचा कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही आपको भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को सोचना है जो चीज़ों को सिम्बलाइज करेंगे। आपको अपनी आइडियाज से यह सोच के यहाँ पर लिखना है। अ प्रॉब्लम माइट बी सिम्बलाइज बाय, प्रॉब्लम किन किन चीज़ों से सिम्बलाइज हो सकता है वो आपको इस ब्लैंक में लिखना है। अ सोल्यूशन टू अ सीरियस प्रॉब्लम माइट बी सिम्बलाइज बाय, सीरियस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस से सिम्बलाइज होगा। ठीक है, ग्रोइंग अप माइट बी सिम्बलाइज बाय, ग्रोइंग अप किस से सिम्बलाइज होगा और क्योंकि वो जल्दी ग्रो हो जाता है, या किस से सिम्बलाइज होगा क्योंकि वो धीरे से ग्रो होता है। ठीक है, लर्निंग माइट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैंक बिकॉज, लर्निंग को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करोगे और क्यों। ठीक है, द शेयर योर आइडियाज विथ योर क्लासमेट एंड मेक अ चार्ट शोइंग हाउ मेनी डिफरेंट सिम्बल्स योर क्लासमेट्स थॉट। अभी ये वाली एक्टिविटी व्हेन द स्कूल ओपन्स वी विल डू। सो विद दिस वी कंक्लूड अवर चैप्टर फर्स्ट एंड वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।